बिजनेस की घरेलू चलेगी और सारा माशरा दया की वजह से ना आशना उनकी वजह से बेफलू उनकी वजह से तुराई की तरफ जा रहा है। मैं हमेशा कहा सकता हूं कि अगर एक मुसलमान बच्चे को इस बात की तालीम दी जाए कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इशार है अल मुस्लिमों का सलेम अल मुस्लिमों में लिसान ही वही यदि कि मुसलमान वो है कि जिस मुसलमान के हाथ को उसके लिबास में दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना हो। अगर एक बच्चे को इस माहौल में पाला जाए तरबियत दी जाए क्या वो बच्चा जवान होकर ऐसा हो सकता है कि उसके हाथ से मुसलमान हलाक हो बर्बाद हो तबाह हो। आज मुसलमान मुसलमान का गला काट रहा है, आज मुसलमान मुसलमान को तबाह कर रहा है, आज मुसलमान के हाथ से दूसरे मुसलमान की इज्जत जान माल माफूल नहीं है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसलमान दीन की तारीख से नाआशना है, उसको पता नहीं है कि हमारे प्रमुख ने हमको क्या तारीख दी। यह दरअसल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी तालीम को जारी सारी रखने के लिए, उसी तालीम को कायम और ध्यान रखने के लिए अपनी मजबूर भरण पोषण करती है। जिस तरह के किसी दोस्त ने यह कहा था कि ठीक है अंग्रेज हमारा दुश्मन था, हमारा वकालत था, उसने हमारी हौसला शिकनी की है, हमारे मदारिस जो दीनी हिंदुस्तान के अंदर पायन थे उनको तबाह किया बर्बाद किया, जागरदें और उनकी जो जागीर थी सब की उनकी आमदनी से जरा खत्म कर दी है और उन दशकों से पैदा होने वाले जो उलमाए क़राम थे उनको लोगों की निगाहों में जरूर करने के लिए तरह तरह के अंग्रेज समाज की। लेकिन वो सख्त जान उलमा जिन्होंने सब रसीतों का मुकाबला किया और उस जानवर को जाने हुकूमत का इस मुल्क से बड़े शरीर से जिस तरह बोलिया लिखे पड़े हजरात हैं तारीख की रोशनी में देख लें अगर हिंदुस्तान में उलमा इकराम अंग्रेज के खिलाफ अलग को अगर गलत न करते तो अंग्रेज हिंदुस्तान से कभी न जाते। इसके खिलाफ नफरत